Hello students, today we will learn how to create lesson plan on input device in computer science. चलिए now सबसे पहले पप्पल टीचर रोल नंबर, फिर सब्जेक्ट, देन टॉपिक जो भी आपका टॉपिक है, और फिर क्लास टाइम और डेट. फिर सबसे पहले जनरल एड्स, स्पेसिफिक एड्स, जनरल एम्स, स्पेसिफिक एम्स, फिर प्रीवियस नॉलेज टेस्टिंग, जो भी आप क्वेश्चंस पुट करना चाहते हो स्टूडेंट से टॉपिक के रिलेटेड, वो थोड़े रिलेटेड टॉपिक के पूछने हैं क्वेश्चंस. फिर देन अनाउंसमेंट ऑफ टॉपिक, टॉपिक का अनाउंसमेंट, फिर देन मेथड ऑफ टीचिंग, फिर प्रेजेंटेशन, फिर मेरा लेसन प्लान स्टार्ट हो जाएगा. सब्जेक्ट मैटर, पीटीज एक्टिविटी, पपिल एक्टिविटी, ब्लैक बोर्ड वर्क, इनपुट डिवाइस, और फिर डेफिनेशन देनी है इनपुट डिवाइस की. फिर हमने इनपुट डिवाइसेस के बारे में बताना है, जैसे कि माउस हो गया, माउस की डेफिनेशन देनी है, इमेजेस लगानी है ब्लैक बोर्ड वर्क पे, फिर जॉयस्टिक हो गया, जैसे जॉयस्टिक की इमेज, लाइट पेन इमेज, टच स्क्रीन, एंड देन माइक. फिर देन हमने एंड पे देना है फाइनल रिकैप्सुलेशन, टॉपिक के रिलेटेड स्टूडेंट से क्वेश्चन पुट करने हैं, जो भी हमने टॉपिक करवाया है उसके रिलेटेड जो है क्वेश्चंस पूछने हैं. फिर देन होमवर्क देना है बच्चों को, होमवर्क जो भी आपके अकॉर्डिंग आप दे सकते हो. ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स.